क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का? बढ़िया। सो फाइनली भाई ईटी के टीजर को रिलीज कर दिया गया है, बट ये टीजर के साथ साथ भाई एक चीज मुझे काफी ज्यादा बुरा ये लग रहा है भाई, टीजर को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, जब मेकर्स भाई एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो लोग अपनी फिल्म को भाई प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले हैं, बट फिर भी भाई टीजर जब भी आता है, जब भी ट्रेलर आता है, तो ये चीज देखने को हम लोग को मिलता है भाई। टीजर तो भाई जो लैंग्वेजेस को वो फिल्म होती है वो तो पहले रिलीज हो जाता है उस लैंग्वेजेस में, टीजर या फिर ट्रेलर, बट बहुत टाइम बाद, मतलब होता है ना एक हफ्ता बाद, डेढ़ हफ्ता बाद रिलीज होता है भाई हिंदी में, तेलुगू में, कन्नड़ में, मलयालम में। सो ये चीज एक सैड फील होती है भाई, क्योंकि सूर्या सर के जो भी फैंस है ना भाई, वो लोग बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सूर्या सर के सिर्फ फैन फॉलोइंग सिर्फ तमिल में ही है यार, सूर्या सर का भी फैन फॉलोइंग प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर हो चुकी है, क्योंकि भाई उनकी जो पिछली फिल्म आई हुई थी भी, ये फिल्म ना भाई ओटीटी के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी, क्योंकि इसका कंटेंट में इतना पावर था ना भाई कि बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा, सब किसी ने इस फिल्म को देखा था। और भीम के साथ साथ ना भाई सूर्या सर की जो अपकमिंग फिल्में आ रही थी उसको लेकर लोगों के अंदर हाइप बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबको लग रहा था सूर्या सर आएंगे, मतलब धमाकेदार कंटेंट लेके आएंगे मैन। और फाइनली ये ईटी का कंटेंट तो अच्छा लग रहा है, बट सैड न्यूज यही है कि ईटी के टीजर को जस्ट तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया। बट कोई नहीं भाई, होप सो, भगवान से यही हम लोग प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे लैंग्वेजेस में भाई इसके टीजर को रिलीज करें मेकर्स, ताकि और ज्यादा भाई भौकाल लेवल पे माहौल बन जाए। सो चलो फिर आगे बात करते हैं इस टीजर में क्या है अच्छा और क्या है बुरा, तो इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक देखना, और जो भी बालक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है मैन। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं अपने यूट्यूब पे। सीरियसली मैन, मैं इस फिल्म के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं यार, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल तो भाई बनता है यार, क्योंकि टीजर में वो दम है मैन। सीरियसली ऐसा टीजर देख के लग रहा है भाई एक और एकदम बलंडर वाला पुष्पा आ रहा है। सीरियसली टीजर में तुम्हें तगड़ा वाला एक्शन देखने को मिल रहा है, बीजीएम सुनो भाई टीजर का, आ फील देने वाला बीजीएम है यार। और अपना सूर्या सर तो भाई प्रॉपर ऑल ओवर छा ही गए हैं यार, और इसको जो विलेन है वो भी काफी खूंखार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि विलेन भाई सूर्या सर को प्रॉपर एकदम निचोड़ कर रख देने वाला है। कहावत है ना भाई, अगर किसी फिल्म में अगर विलेन ज्यादा ताकतवर होगा तो उसी हिसाब से जो इसका हीरो होगा उसका भी पावर एकदम निखर के आएगा। यहाँ लग रहा है भाई सूर्या सर का पावर एकदम निखर के आने वाला है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छा लग रहा है। एक और टीजर का प्लस पॉइंट ये लगा, इस फिल्म में ना थोड़ा पीरियोडिक टच डालने का कोशिश किया गया है। एक जगह पे टीजर में एक सीन आता है जहां सूर्या सर प्रॉपर एकदम राजा महाराजा वाला ड्रेस पहना है, हाथों में तलवार है, बड़े बड़े बाल है, अच्छा लग रहा है भाई सीन। इस फिल्म के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है भाई कि एक नॉर्मल स्टोरी है, इसमें ये राजा महाराजा वाला क्या एंगल है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ये फिल्म रिलीज होगा, मीन्स 10th of March को रिलीज होगा, तभी हम सबको पता चलेगा भाई आखिर ये एंगल क्या है। बट ओवरऑल टीजर सीरियसली मैन काफी ज्यादा अंगार है। अच्छा चीज ये है इस फिल्म के टीजर को भाई सब टाइटल्स में रिलीज किया गया, तो फील भी आ रहा है। सो जो भी लोग नहीं देखो अभी तक इस टीजर को, तो तुम लोग जाके देखो मेरा भाई, कंटाव टीजर है यार। और जो भी लोग देख लियो तो तुम लोग बताओ भाई तुम लोग ये टीजर कैसा लगा। सो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम्हें जरा ही पसंद आया प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है। मैं ओबवियसली बात करना चाहते हो आ जा यार इंस्टाग्राम दी स्टैट, सारे चीज का लिंक भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, बातें करते हैं मस्ती करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।